मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आराम आराम से भैया, आराम से। कैमरा लेके आराम से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहेंगे आज के दिन? रूम नीचे करो। सवाल उनसे किए जा रहे हैं, जवाब सुन। मैं पहले क्या बन क्या खाता हूँ? देखिए, पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, आज़ादी जंग के अंदर जो उनकी भूमिका थी बेमिसाल थी, सारे सुख सुविधाएँ त्याग करके, बाद में आनंद भवन भी स्वराज भवन सब दे दिया देशवासियों को इलाहाबाद के अंदर, 9-10 साल जेलों में बंद रहे हुए, और जेलों में बैठ के उन्होंने भारतीय खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी, और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो देश की नींव रखी है, आज उस पर देश खड़ा है। बड़ी बड़ी संस्था, एम्स जैसी संस्थाएँ, IIT संस्थाएँ, कृषि के अंदर संस्थाएँ, रिसर्च की, सब कुछ उन्होंने बड़े बड़े बांध बनाए, बागरा डैम की तरह बड़े बड़े इस्पात कारखाने लगाए गए जिससे कि हम आत्मनिर्भर बने, कोई मुकाबला नहीं। दुर्भाग्य इस बात का है कि एक तरफ तो बाल दिवस मनाते हैं हम लोग, तो बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा हो पंडित नेहरू की तरह, और दूसरा चाचा नेहरू कहते थे, क्यों कहते थे उस जमाने के अंदर। अब जो वर्तमान सरकार ने, मुझे ऐतराज है इस बात का कि आप अमृत महोत्सव मना रहे हो देश का, तो क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री को याद ही नहीं करेंगे? जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उनको याद तो करो, जिससे कि नई पीढ़ी कुछ सीखे समझे और कुछ ग्रहण करे। नई पीढ़ी को अगर आप इतिहास नहीं बताओगे तो वो क्या ग्रहण करेंगे, क्या इतिहास समझेंगे? बिना इतिहास के वो क्या, कल उनके ऊपर भार आएगा देश का, प्रदेश का, तो वो क्या आगे वाली पीढ़ियों का संदेश देंगे? तो मेरा मानना निश्चित तौर से अमृत महोत्सव में जिस प्रकार पंडित नेहरू को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, और बाकी प्रधानमंत्रियों का भी कोई दिखता ही नहीं है, कहाँ पर क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताया कोई, तो आप क्या खाली इवेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक मौका था देश के अंदर पूरे 135 करोड़ जनता को अपने देश पे गर्व करे कि हमारे देश की आज़ादी जंग के लड़ने के लिए कितने लोग, ज्ञात तो ही हैं, अज्ञात कितने लोग थे मारे गए, वो अज्ञात लोग जिनको हम जानते ही नहीं हैं, कितनी बड़ी फ्रीडम मूवमेंट लड़ी गई, क्या उनको याद करने का एक अवसर था जो खो दिया इस BJP और NDA गवर्नमेंट ने? वो खाली इवेंट बड़े बड़े कर रही है, छोटे बड़े करती है, पर जो एक्चुअल में 75 साल की उपलब्धि हमारी है, ये सुई नहीं बनती थी यहाँ पर, आज क्या नहीं बनता यहाँ पर, सब कुछ हो रहा है, तो पूरा गर्व होता देशवासियों को, और गर्व के आधार पर जब आप कॉन्फिडेंस पैदा होता है, मानव संसाधन बनता है नई पीढ़ी का, वो देश के काम आता है। तो मेरा मानना है कि आज का दिन तो हम सब के लिए यही है कि हम पंडित नेहरू का जो विजन था, जो सोच थी, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता उनमें कूट कूट के भरी हुई थी, उस पर नई पीढ़ी को हम लोग संदेश दें, आत्मसात करें और देश के लिए अपने आप को समर्पित करें, प्रतिबद्ध करें, और देश सेवा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार रहें, ये हमारी सोच है। सर, आपने कहा इतिहास को जिस तरीके से अभी तोड़फोड़ की जा रही है, आने वाले दिनों में खुद मोदी भी ये चीज़ जानेंगे अगर यही तो होता ही है। अगर आप इतिहास को तोड़ोगे मरोड़ोगे तो आप कैसे इतिहास बनाओगे? खुद आप आने वाली पीढ़ियाँ कैसे आपको याद रखेगी? वो भी फिर आपसे सीखेगी, आज जो आप सिखा रहे हो उनको कल वो सीखेगी, तो ये उचित नहीं है देश के लिए, उचित नहीं देश के लिए, उचित नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष के लिए अस्थायी रूप से उचित हो सकता है, पर देश के लिए उचित नहीं है। सर, कल अहमदाबाद उदयपुर रेलवे ट्रैक पर जिस प्रकार की घटना हुई, आपने वो जांच कर रहे हैं, NIA वालों को बुला लिया हम लोगों ने, वो भी देख रहे हैं किस एंगल से क्या घटना हुई, क्यों हुई, पीछे क्या कारण था, FSL वाले भी चले गए, तो उसको बहुत ही गंभीरता से ले। किरोड़ी बैसला कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का हम विरोध करेंगे। नमस्कार नमस्कार।